हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पीआर नॉलेज सेंटर। तो जैसा कि हम बीजन आईएएस का कर रहे थे, ये अगस्त मंथ का करंट अफेयर है और जिसमें हम पॉलिटी का सेक्शन करेंगे। और इसमें आज हम करेंगे पॉलिटी का, जिसमें हम अनुसूचित जातियों का उपवर्गीकरण, केंद्र प्रायोजित योजना, सुशासन में नागरिकों की भागीदारी, सिविल सेवा में लेटरल एंट्री, सेरोगेट विज्ञापन, समान नागरिक संहिता, विधायी प्रभाव आकलन, संक्षिप्त सुर्खियों, जिला न्यायालयों में बुनियादी ढांचे की स्थिति, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत अग्रिम जमानत, परिसीमन आयोग और बालर विधेयक 2024 को राज्यसभा में पेश किया गया। तो ये चीजें हम आज पढ़ेंगे जो कि पॉलिटी का है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर। ठीक है, तो पहला न्यूज से हम देखते हैं पॉलिटी का, पॉलिटी एंड गवर्नेंस का, अनुसूचित जातियों का और की उपवर्गीकरण, सब क्लासिफिकेशन ऑफ द शेड्यूल कास्ट। तो न्यूज में क्यों है, क्योंकि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने 7 न्यायाधीशों की 1 मिनट, ठीक है, ठीक है, 7 न्यायाधीशों की संविधान पीठ में पंजाब राज्य एवं अन्य बनाम दविंदर सिंह और अन्य वाद 2024 में निर्णय दिया कि अनुसूचित जातियों का उपवर्गीकरण भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 15 क्लॉज 4 और 16 क्लॉज 4 के तहत स्वीकार्य है। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार राज्य सुप्रीम कोर्ट के समुदायों के भीतर अधिक वंचित समूहों को अतिरिक्त कोटा आरक्षण का प्रदान करने हेतु अनुसूचित जातियों का उपवर्गीकरण कर सकता है। अन्य संबंधित तथ्य हैं, 7 न्यायाधीश की संविधान पीठ मुख्य रूप से निम्नलिखित दो पहलुओं पर विचार कर रही है। एक तो क्या आरक्षित जातियों के भीतर उपवर्गीकरण की अनुमति देनी चाहिए, या फिर ईवी चिनैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्यवाद 2005 में दिए गए निर्णय के औचित्य पर। गौरतलब है कि ईवी चिनैया मामले में क्या है, तो देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है कि संविधान के अनुच्छेद 341 क्लॉज 1 के तहत अनुसूचित अनुसूचित जातियों जातियों समूह के एक ही वर्ग में संबंधित उन्हें आगे उपवर्गीकृत नहीं किया जा सकता। अगला है, इससे पहले 2014 में दविंदर सिंह बनाम पंजाब राज मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ईवी चिनैया वाद 2004 में दिए गए निर्णय पर पुनर्विचार करने की अपील को 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ को भेजा था। 2020 में सुप्रीम कोर्ट के 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने फैसला दिया कि ईवी चिनैया मामले के लिए दिए गए निर्णय पर पुनर्विचार की आवश्यकता है। ध्यातव्य है कि इस मामले के तहत कोर्ट ने अनुसूचित जातियों के उपवर्गीकरण पर भी रोक लगा दी थी। प्रासंगिक संवैधानिक प्रावधान देखेंगे, जिसमें अनुच्छेद 14 है, राज्य राज्य भारत में सभी नागरिकों को कानून के समान समता या कानूनों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाना चाहिए, तो आपको पता ही होगा। आर्टिकल 15 क्लॉज 5-4 में क्या है, तो अनुच्छेद राज्य को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े नागरिकों के किसी वर्ग या अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों उत्थान के लिए विशेष प्रावधान में सक्षम बनाता है। 16 क्लॉज 1 में राज्य सरकार के अधीन किसी भी पद पर नियुक्ति या नियोजन रोजगार संबंधी मामले में सभी नागरिकों को समान अवसर प्रदान करेगा। और 16 क्लॉज 4 में यह अनुच्छेद राज्य को नागरिकों के किसी पिछड़े वर्ग के लिए नियुक्तियों या पदों के आरक्षण का प्रावधान करने का अधिकार देता है, जिसका राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व होता है। अनुच्छेद 341 क्लॉज 1 में भारत का राष्ट्रपति किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में कुछ जातियों मूलवंशों या जनजातियों को आधिकारिक तौर पर अनुसूचित जातियों के रूप में नामित कर सकता है। और 341 क्लॉज 2 के संसद कानून बनाकर किसी भी जाति मूल वंश या जनजाति को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल कर सकती है। जब भी आप मेंस लिखोगे तो इस तरह के अगर आर्टिकल्स मेंशन करोगे तो काफी अच्छा मार्क्स मिलेगा आपको उसका। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पुनर्विचार एक नजर में देखेंगे तो जनजातियों के भीतर उपवर्गीकरण अनुच्छेद 341 क्लॉज 2 का उल्लंघन नहीं करता है, क्योंकि उपवर्गीकरण से ना तो इस सूची के किसी अनुसूचित जाति को शामिल किया जाता है, ना ही इससे कोई बाहर किया जाता है। और अनुसूचित जाति को उपवर्गीकरण का दायरा देखेंगे तो उपवर्गीकरण सहित इस तरह की किसी भी सकारात्मक कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य पिछड़े श्रेणियों के लिए अवसर की मौलिकता समानता प्रदान करना है। ये सब मौलिक समानता भी है, तो इस सिद्धांत के अनुसार सही है। ठीक है, इतना ही जानिए। क्रीमी लेयर तो पता ही होगा, पिछड़े वर्ग के सदस्यों की पहचान करने के लिए किया गया है। आपको पता होगा ओबीसी वर्ग में जब आप बनाते होंगे फॉर्म डालने के लिए, तो क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर सेलेक्ट करते होंगे। अन्य महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय देखेंगे, केरल राज्य बनाम एन एम थॉमस जो 1975 का है, इसमें सुप्रीम कोर्ट का पहला निर्णय है कि जिसमें क्रीमी लेयर शब्द का उपयोग किया गया था। इस निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने सचेत किया था कि आरक्षण का लाभ पिछड़ी जातियों के संपन्न व्यक्तियों द्वारा उठाया जा सकता है।
और इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ 1992 में 9 जजों की पीठ ने इस बात पर जोर दिया था कि सरकार को ओबीसी के तहत क्रीमी लेयर को आरक्षण के लाभों से बाहर रखना चाहिए। और ईवी चिनाया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि एससी को हो वर्गीकरण संविधान के तहत दिए गए समानता के अधिकार और अनुच्छेद 341 और 341 क्लॉज 2 के तहत उल्लंघन है। संविधान का अनुच्छेद 341 राष्ट्रपति को आरक्षण हेतु एससी समुदायों को सूची बनाने की शक्ति देता है। जनरल सिंह बनाम लक्ष्मी नारायण गुप्ता केस था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था क्रीमी लेयर की अवधारणा को अनुच्छेद 341 और 342 पर लागू करना आरक्षण हेतु सुप्रीम कोर्ट समुदायों की सूची के साथ छेड़छाड़ नहीं करता। ठीक है, अनुसूचित जातियों के उपवर्गीकरण के पक्ष में और अनुसूचित जातियों के उपवर्गीकरण के खिलाफ क्या क्या है? जैसे मौलिक समानता है, सबसे निम्न स्तर पर रहने वाले को प्राथमिकता देने का दृष्टिकोण होता है और इसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों से अधिक हासिल पर रहने वाले के लोगों को सशक्त बनाया जा सकता है सकेगा। अनुसूचित जातियों के उपवर्गीकरण के खिलाफ सतर्कता क्या होगा? एकता और एकजुटता होगी। इससे अनुसूचित जाति समुदाय में विभाजन हो सकता है और इससे उनकी सामूहिक आवाज और सौदेबाजी की शक्ति कमजोर हो सकती है। तो थोड़ा सा देख लीजिएगा, इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं लग रहा है। बाकी केंद्र प्रायोजित योजना देखेंगे, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, ये न्यूज में क्यों है? क्योंकि हाल ही में व्यय संबंधी सुधारों के भाग के रूप में नीति आयोग केंद्र प्रायोजित योजनाओं में सुधार की प्रक्रिया शुरू की है। नीति आयोग ने विकास निगरानी मूल्यांकन कार्यक्रम ने भारत सरकार की सभी केंद्र प्रायोजित योजनाओं के मूल्यांकन की प्रक्रिया आरंभ की और डीएमईओ मतलब डीमीओ ने 9 प्रमुख क्षेत्रों में सीएसएस के मूल्यांकन में सहायता हेतु परामर्श फार्मों को शामिल किया है। तो केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं वे होती है जो कि सीधे केंद्र से जो होती है प्रायोजित होती हैं, और केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं लगभग 676 योजनाएं हैं जिनका वित्त वर्ष 2024-25 के लिए कुल वित्तीय आवंटन लगभग 15 करोड़ रुपए हुआ था। ये 9 क्षेत्र कौन से? कृषि संबंध क्षेत्र है, महिला एवं बाल विकास क्षेत्र है, शिक्षा क्षेत्र है, शहरी कायाकल्प और कौशल विकास क्षेत्र है, ग्रामीण विकास क्षेत्र है, पेयजल स्वच्छता क्षेत्र है, स्वास्थ्य क्षेत्र है, जल संसाधन है, पर्यावरण वन क्षेत्र है, तथा सामाजिक समावेशन कानून एवं व्यवस्था न्याय प्रदायगी क्षेत्र है। केंद्र प्रायोजित योजनाओं के बारे में देखें तो परिभाषा है तो इसे पता चला गया ना, जो भी केंद्र के रूप में जो केंद्र पे जिसपे ज्यादा केंद्र ही पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है जो सेंट्रल लिस्ट में आती है उसको बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है केंद्र प्रायोजित योजनाओं के प्रकार होते हैं। एक तो कोर योजनाएं होती हैं, दूसरा कोर ऑफ द कोर योजनाएं होती हैं, दूसरा वैकल्पिक योजनाएं होती हैं। कोर योजनाएं वही योजनाएं होती हैं जिन जो राष्ट्रीय विकास एजेंडा में शामिल होते हैं, उदाहरण हरित क्रांति, प्रधानमंत्री कृषि प्रधान सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, स्वच्छ भारत मिशन आदि, ये सब क्या है? कोर योजनाएं हैं। कोर ऑफ द कोर योजनाएं क्या है? इसके तहत सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक समन्वय के लिए 6 योजनाएं शामिल किए हैं। राष्ट्रीय विकास एजेंडा के लिए उपलब्ध निधियों में इनका स्थान पहले आता है, जैसे मनरेगा है, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम है, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, दिव्यांगजनों तथा अन्य कमजोर समूहों के विकास के लिए 3 अम्ब्रेला योजनाएं हैं, जो अल्पसंख्यक के विकास के लिए अम्ब्रेला कार्यक्रम आदि। और वैकल्पिक योजनाएं वो होती हैं जो राज्य को चयन करने की स्वतंत्रता होती है कि वे किस कानून को लागू करना चाहते हैं। इसके लिए केंद्रीय वित्त मंडल द्वारा फंड आवंटित किया जाएगा, उदाहरण के लिए सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूअर्बन मिशन आदि है। वित्त पोषण में राज्यों को सीएसएसएस के लिए सभी हस्तांतरण राज्य की संचित निधि के माध्यम से किए जाते हैं। इसका अर्थ है कि यह धनराशि सीधे राज्य के प्राथमिक सरकारी खाते में जमा की जाती है। 14वें वित्त आयोग की सिफारिश में 2017 में योजना व गैर योजना भेद को समाप्त करने के बाद यह सीएसएस जो है केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं संघ राज्य क्षेत्र के विशेष उद्देश्य हेतु फंड ट्रांसफर प्राथमिकता साधन बन गया है। तो कोर योजनाएं वित्त पोषण का ढांचा है, 8 पूर्वोत्तर राज्य और 3 हिमालयी राज्यों में। अन्य योजनाएं भी हैं और केंद्र शासित योजनाएं जो आती हैं सभी सीमा आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट आप क्वेश्चन मतलब जो है थोड़ा इन्फॉर्मेशन रखना जरूरी है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी जो 365 आएगी उसमें हम कवर करेंगे, फिर से रिविजन हो जाएगा। सिटीजन पार्टनरशिप टूवर्ड गुड गवर्नेंस क्या है? इसमें इसमें आपको पढ़ना है, माय गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म को शुरू 10 साल पूरे हो चुके हैं और इसको जुलाई 2014 शुरू किया गया था। माय गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म जो होता है 2014 में प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किया गया था, नागरिकों की भागीदारी हेतु प्लेटफॉर्म है जो नीति निर्माण में नागरिकों की सहभागिता सुनिश्चित करता है और इसमें लोगों की राय भी प्राप्त करता है, लोगों को सरकार के साथ जुड़ने तथा सुशासन भागीदारी करने में सक्षम बनाता है। 2014 में लगभग 4.72 करोड़ से अधिक पंजीकृत उपयोगकर्ता एक साथ मौजूद प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित हुआ था और इसको जो है साथी माय गवर्नमेंट साथी के रूप में भी जाना जाता है। तो माय गवर्नमेंट के तहत शुरू किए गए प्रमुख अभियान थे लाइफ अभियान थे, स्टेप सेफ ऑनलाइन था और इसमें था स्वच्छ भारत सर्वेक्षण भी, मिलेट सुपर फूड भी था इसमें।
माई गवर्नमेंट के तीन प्रमुख खंड को मतलब स्तंभ कौन से हैं? एक तो है डू प्रोत्साहित करना, मतलब प्रश्नोत्तरी, इनोवेटिव इंडिया, पहल प्रतिज्ञाएं, सेल्फ फॉर सोसाइटी प्रोग्राम, साथी 2.0 पहल आदि को शामिल किया गया। डिस्कश में चर्चा करना है, सामूहिक चर्चा है, मन की बात है, रेडियो कार्यक्रम आदि की सुविधाएं प्रदान करना है। और डिसमिनेट में क्या है? प्रसार में ब्लॉग अवधि का, न्यूजीलैंड न्यूज लेटर्स, ईमेल आदि की पर ध्यान केंद्रित करना है। नागरिक भागीदारी सुशासन सर कैसे मदद कर सकती है? एक तो जवाबदेहिता और पारदर्शिता को सुनिश्चित करके और सेवा वितरण के द्वारा समावेशिता को बढ़ाकर मिलता है, और विश्वास निर्माण में, नवाचार में और सुशासन में नागरिक भागीदारी बढ़ाने हेतु चुनौती है कौन सी है? एक तो देखिए प्रतिबद्धताओं की कमी है, सीमित भागीदारी है, प्रशासनिक चुनौतियां हैं, सरकार का विश्वास की कमी है, अधूरे वादे, कथित भ्रष्टाचार के मामले और भाई भतीजावाद है। विकास संबंधी प्राथमिकताओं पर समुदाय के इनपुट और विचार करने में विफलता के कारण सरकार में जनता का विश्वास अक्सर कम होता है, जिनसे जनता की भागीदारी बाधित होती है। सुशासन में नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए शुरू की गई पहले कौन सी? एक तो स्वच्छ भारत मिशन है, ये जन आंदोलन बन गया है। इसमें नागरिकों ने साफ सफाई को बढ़ावा देने और स्वच्छता का संदेश फैलाने के लिए सक्रिय रूप से भाग लिया है। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन है, इसमें गंगा नदी को साफ करने और संरक्षित करने के लिए लोगों में जिम्मेदारी एवं जुड़ाव की भावना को बढ़ावा देने के व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाए गए हैं। डिजिटल इंडिया में इसका उद्देश्य है नागरिकों को अधिक आसानी से सेवाओं का लाभ उठाने, सरकार के साथ सुविधाजनक तरीके से जुड़ने और आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देने में सशक्त बनाना तथा नागरिकों को जीवन में सुधार लाना है। 73वां 74वां संविधान संशोधन अधिनियम, इन अधिनियमों ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की शुरुआत की है, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की है, साथ ही स्थानीय शासन में महिलाओं सहित हाशिए पर रहने वाले विविध वर्गों को शामिल किया है। नागरिक चार्टर क्या है? इसका उद्देश्य नागरिकों और प्रशासन के बीच एक सेतु बनाना है तथा नागरिकों की जरूरतों के अनुरूप प्रशासन को सुव्यवस्थित करना है। आगे की राह में सुगमता, जागरूकता, डिजिटल प्लेटफॉर्म और समावेशी नीति निर्माण करके शिकायत निवारण के द्वारा इसको आगे की राह में आप प्रोसीड कर सकते हैं। लेटरल एंट्री इन द सिविल सर्विस क्या है? तो हाल ही में केंद्र सरकार ने सचिव, जो लेटरल एंट्री होती थी सिविल सर्विसेज में, उसको बंद करने की बात हुई है। 45 पदों पर लेटरल एंट्री के जरिए भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग द्वारा जारी विज्ञापन को वापस ले लिया है। अन्य संबंधित तथ्य क्या है? लेटरल एंट्री के जरिए किए गए विज्ञापन आलोचना के कारण वापस लिए गए हैं। इस आरक्षण कारण यह है कि ऐसी भर्तियां अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षण नहीं होता है। नवंबर 2018 में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा यूपीएससी को लिखे गए पत्र में यह उल्लेख किया गया था कि इन पदों को भरने की वर्तमान व्यवस्था को प्रतिनियुक्ति के रूप में माना जा सकता है, जहाँ SC ST OBC के लिए आरक्षण की व्यवस्था लागू करना अनिवार्य नहीं है। हालांकि यदि यथोचित योग्यता SC ST OBC उम्मीदवार पात्र हैं तो उन पर विचार किया जाना चाहिए। साथ ही समग्र प्रतिनिधि सुनिश्चित करने के लिए समान स्थिति वाले मामले ऐसे उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। लेटरल एंट्री के लिए आरक्षण की व्यवस्था क्यों नहीं की गई? क्योंकि ये सार्वजनिक नौकरियों के विश्वविद्यालय में आरक्षण को 13 पॉइंट रोस्टर के माध्यम से लागू किया जाता है। इस फॉर्मूले के अनुसार 3 रिक्तियों के तक की भर्ती पर कोई आरक्षण नहीं लागू होता है। भर्ती के लिए जारी हालिया रिपोर्ट में UPSC ने 45 रिक्ति का विज्ञापन जारी किया है। ये रिक्तियों के एक ही समूह के रूप में जाना जाता है, जो 13 पॉइंट रोस्टर के अनुसार 6 रिक्तियां सुप्रीम कोर्ट उम्मीदवारों के लिए और 3 रिक्तियां, सॉरी सुप्रीम कोर्ट लिखा है, SC के लिए और ST के लिए है, और 12 रिक्तियां OBC उम्मीदवारों के लिए है और 4 रिक्तियां EWS के लिए है। लेकिन चूंकि ये रिक्तियां प्रत्येक विभाग के लिए अलग अलग विज्ञापित हैं, इसलिए ये सभी प्रभावी रूप से एकल पद की रिक्तियां हैं और इन पर कारण इस पर आरक्षण लागू नहीं होता है। एकल पद कैडर में आरक्षण लागू नहीं होते हैं, चूंकि लेटरल एंट्री के तहत भरा जाने वाला प्रत्येक पद एकल पद है, इसलिए आरक्षण लागू नहीं होता है। अखिलेश कुमार सिंह बनाम राम दानव एवं अन्य वाद 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि एकल पद कैडर में आरक्षण 100% आरक्षण के बराबर होगा, इसलिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 क्लॉज 1 और 16 क्लॉज 4 का उल्लंघन करता है। लेटरल एंट्री के बारे में जाने तो इसके माध्यम सरकारी मंत्रालयों, विभागों में माध्यमिक और वरिष्ठ स्तर के पदों पर नियुक्ति के लिए पारंपरिक सरकारी सेवा संवर्गों को बाहर व्यक्तियों की भर्ती की जाती है। यह पारंपरिक भर्ती प्रक्रिया अलग से UPSC द्वारा आयोजित परीक्षा के माध्यम से योग्यता के आधार पर पदों में भरा जाता है। ये सलाहकारी भूमिकाओं के लिए निजी क्षेत्र के पेशेवर की नियुक्ति से अलग है। भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार की नियुक्ति के आमतौर पर एक प्रमुख अर्थशास्त्री होता है, ठीक है। 3 से 5 साल तक की अवधि के लिए कोई भी संविदात्मक भर्ती है, जिसमें प्रदर्शन के आधार पर कार्यकाल का विस्तार किया जा सकता है। ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम जैसे देश डायरेक्ट एंट्री परीक्षा के माध्यम से लेटरल एंट्री दोनों तरीके से अपनाया गया है। भारत में लेटरल एंट्री पर विचार
का विकास देखेंगे। 1966 में गठित प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, इसके अध्यक्ष मोरारजी देसाई, इस आयोग ने पहली बार लेटरल एंट्री का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। 2016 और द्वितीय प्रशासनिक सुधार में आयोग ने लेटरल एंट्री को संस्थागत बनाने की सिफारिश की थी। और 2016 में शशि थरूर अध्यक्षता में संसदीय स्थायी समिति ने इस समिति में विविध क्षेत्रों में प्रतिष्ठित व्यक्तियों को प्रशासन में शामिल करने की सिफारिश की थी। और वहीं नीति आयोग का देखेंगे, 2017 में 3 वर्षीय कार्य एजेंडा गवर्नेंस पर सचिवों के सेक्टोरल ग्रुप की रिपोर्ट के माध्यम से एक वरिष्ठ प्रबंधन स्तरों पर लेटरल एंट्री की सिफारिश की थी। 2018 में लेटरल एंट्री भर्तियों की आधिकारिक घोषणा की गई थी। लेटरल एंट्री के लाभ क्या है, तो अधिकारियों की कमी को दूर करा जा सकता है। बसवान समिति ने 2016 में अधिकारियों की कमी को देखते हुए लेटरल एंट्री का समर्थन किया था। कार्य कुशलता, प्रशासनिक क्षमता वृद्धि और विशेष विषयों को विशेषज्ञों को शामिल करना है, विभागीय आवश्यकताओं को पूरा करना इसमें है। लेटरल एंट्री से जुड़े मुद्दे हैं, अल्पकालिक फोकस, संवैधानिक प्रावधानों के साथ टकराव है, हितों का टकराव है, रिवॉल्विंग डोर गवर्नेंस का आशय है, लोग अधिकारियों का सार्वजनिक क्षेत्र सेवा के दौरान अपने पद का दुरुपयोग करते हैं, और लॉबिंग की भूमिका निभाना, जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका में देखा गया है। जवाबदेहिता से जुड़ी चिंताएं हैं, जमीनी स्तर के अनुभव की कमी है और राजनीतिक हस्तक्षेप है। आगे की राह में निम्नलिखित कदमों को अपनाते हुए लेटरल एंट्री की प्रक्रिया में सुधार करके रिक्तियों की कमी को दूर किया जा सकता है। जैसे लोक प्रशासन विश्वविद्यालय की स्थापना करके, निजी क्षेत्र में प्रतिनियुक्ति करके, प्रत्येक विभाग के लिए लक्ष्य निर्धारित और ट्रैकिंग को संस्थागत बनाकर, सेवाओं में करियर प्रबंधन को बढ़ावा देकर, दो स्तरीय प्रवेश प्रक्रिया द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है सेरोगेट विज्ञापन क्या है। सेरोगेट तो पता ही होगा, हाल ही में स्वास्थ्य मंत्री ने भारतीय खेल प्राधिकरण बीसीसीआई से आग्रह किया कि वो खिलाड़ियों को तंबाकू या शराब के सेरोगेट उत्पादों का विज्ञापन करने से रोकें। तो इसके अलावा मंत्रालय ने निम्नलिखित उपायों को सूची जारी की, जिसमें तंबाकू के खिलाफ अपनी प्रतिबद्धता दिखाने के लिए खिलाड़ियों द्वारा एक औपचारिक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करना है। बीसीसीआई द्वारा आयोजित या भागीदारी वाले स्टेडियमों पर कार्यक्रमों ने इन उत्पादों का प्रचार विज्ञापन नहीं करना है। बीसीसीआई के दायरे में आने वाले खिलाड़ियों के तंबाकू संबंधित उत्पादों के सेरोगेट प्रचार विज्ञापन से दूर रहने के निर्देश दिए गए हैं। आप देखते होंगे सभी लोग प्रचार उचार करते हैं, यहाँ तक कि बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी लोग भी प्रचार करते हैं तंबाकू वाकू का। मंत्रालय बीसीसीआई के खेल आयोजकों में अन्य मशहूर हस्तियों द्वारा ऐसे सेरोगेट विज्ञापनों की अनुमति नहीं देने का भी अनुरोध किया गया है। सेरोगेट विज्ञापन के बारे में जाने, तो ये सब विज्ञापन रणनीति जिसमें प्रतिबंधित उत्पाद तंबाकू या शराब को सीधे विज्ञापित करने के बजाय उसी कंपनी के किसी अन्य उत्पाद का विज्ञापन किया जाता है। यह एक तरह से प्रतिबंधित उत्पादों को बढ़ावा देने का एक छुपा हुआ तरीका है, और इसका विज्ञापन कारण यह है कि ऐसे उत्पादों के विज्ञापन कानून द्वारा प्रतिबंधित निषिद्ध होते हैं। इसमें जैसे सेरोगेट क्या होता है कि जो तंबाकू है उसको किसी और नाम से आप अच्छा बता करके उसका प्रचार करो, और उसके जो साइड इफेक्ट है उसको ना बताया जाए, तो सेरोगेट में आता है। तो इसके गलत विवरण, झूठा आश्वासन, भ्रामक निहित और प्रतिनिधि जानबूझकर आवश्यक जानकारी को छिपाना आदि तरीके शामिल हैं। इससे अनुचित व्यापार व्यवहार को बढ़ावा मिलता है। लोकप्रिय खेल आयोजनों में ये विज्ञापन ब्रांड्स को रिकॉल वैल्यू हासिल करने में मदद करते हैं। इससे प्रतिबंधित उत्पादों की बिक्री बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए आईपीएल 2024 के दौरान अप्रचारित कुल विज्ञापनों में पान मसाला उत्पादों में संबंधित विज्ञापनों की हिस्सेदारी कितनी थी, 16% थी। ब्रांड ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए मशहूर हस्तियां लोगों द्वारा ध्यान आकर्षित करने वाले स्थानों और दृश्यों को शामिल करने और तरीके अपनाते हैं। उदाहरण के लिए शराब कंपनियां म्यूजिक सीडीज को विज्ञापित करती हैं, और पान मसाला कंपनियां रिवॉल्वर, सिल्वर कोटेड इलायची, सुपारी के प्रचार के जरिए सेरोगेट विज्ञापन करती हैं। सेरोगेट विज्ञापन संबंधित कानून, जैसे जुबान केसरी का नाम सुना होगा, केबल टेलीविजन नेटवर्क अधिनियम 1995 है, जिसमें केबल टेलीविजन नियम 1994 द्वारा सेरोगेट और तंबाकू उत्पाद अधिनियम के तहत शराब, तंबाकू, सिगरेट उत्पादों का विज्ञापन के जरिए प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रचार को प्रतिबंधित किया गया है। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में भ्रामक विज्ञापनों और भ्रामक विज्ञापनों के अनुमोदन की रोकथाम के लिए दिशा निर्देश है। और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में भ्रामक विज्ञापनों में ऐसे विज्ञापन के रूप में परिभाषित किया है जो उत्पादों का गलत तरीके से वर्णन करते हैं।
मिनट ओके। भारतीय मानक परिषद ने संहिता के तहत मतलब ये सारी चीजें हैं देख लीजिएगा। सेल कोड विज्ञापन के संदर्भ महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय क्या है? तो देखते हैं, तो ये है टीवी टूडे नेटवर्क बनाम भारत संघ 2021 में। टीवी टूडे नेटवर्क पर शराब की बोतल जैसे दिखने वाले क्लब सोडा के विज्ञापन को सेल कोड विज्ञापन माना गया, और इसके बाद टीवी टूडे टूडे नेटवर्क को शराब ब्रांड नाम से बढ़ावा देने वाले विज्ञापनों के लिए माफ स्क्रॉल प्रसारित करने का दिशा निर्देश दिया गया था। यूनाइटेड ब्रेवरीज लिमिटेड बनाम भारत मुंबई ग्राहक पंचायत ने 2006 में कंपनी को भ्रामक विज्ञापन या दाओ और शराब के सेरोगेट विज्ञापन का दोषी पाया था। ठीक है, सेरोगेट विज्ञापन से निहितार्थ क्या है? उपभोक्ता अधिकारों को कमजोर करता है, जागरूकता निर्णय लेने की क्षमता को कमजोर करता है, लोक स्वास्थ्य संबंधी संबंध में देखेंगे तो लोक स्वास्थ्य के लिए खतरा उत्पन्न करता है, जैसे तम्बाकू से वगैरह का प्रचार करना, और कंपनी संबंध में लाभप्रदता बनाम प्रभावकारिता नियम है। जो सेरोगेट विज्ञापन प्रतिबंधित उत्पादों की ब्रांड दृश्यता और बिक्री को बढ़ावा देने जैसे अनुचित व्यापार प्राथमिकता और अन्य उत्पादों के जो है अधिक उपयोग को बढ़ावा मिलता है। डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म बीसीसीआई का है, जो राज्य संघों के खेल टूर्नामेंट के दौरान सेरोगेट विज्ञापनों के और इनके राजस्व में उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिलती है। उदाहरण के लिए ब्रांड 10 सेकंड विज्ञापन स्पॉट के लिए 10-8 लाख रुपए का भुगतान करते हैं। नैतिक निष्ठा से पारदर्शिता तथा की कमी, सामाजिक प्रभाव और नश थ्योरी आउट ऑफ साइट ऑफ द माइंड मार्केटिंग रणनीति अपनाते हैं। नश थ्योरी मतलब किसी के मतलब दिमाग को ही चेंज कर देना अपने प्रचार प्रसार द्वारा, जो भी मतलब जिन जिनको आप आइडियल मानते हो तो उनसे प्रचार करवा के आपके तो माइंड को वास करके वो चीज खरीदवा देना। कानून में मौजूदा खामियां हैं, इस वजह से ऐसा होता है। अनैतिक व्यवहार है, कठोर दंड का अभाव है, नौकरियां और राजस्व का नुकसान होता है। आगे की राह में ऐसे कर सकते हैं कि हितधारक परामर्श बैठक में उठाए जा सकने वाले निम्नलिखित कदमों पर प्रकाश डालें, जैसे ब्रांड एक्सटेंशन और विज्ञापित किए जा रहे प्रतिबंधित उत्पाद या सेवा के बीच अंतर स्पष्ट सुनिश्चित करना चाहिए। विज्ञापन में प्रतिबंधित उत्पादों को कोई अप्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संदर्भ नहीं होना चाहिए। विज्ञापन की प्रस्तुति में प्रतिबंधित उत्पाद में सदृशता नहीं होनी चाहिए। विज्ञापन में अन्य उत्पादों का विज्ञापन करते समय प्रतिबंधित उत्पादों के प्रचार के लिए विशेष स्थितियों का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। मौजूदा विनियमों को मजबूत करना चाहिए, जैसे कोपटा एससीआई के तहत स्पष्टीकरण, डिजिटल मीडिया विनियमन और जवाबदेहिता सुनिश्चित करना चाहिए। विनियामक अंतर्दृष्टि अपनानी चाहिए, सूचना शिक्षा और प्रसंचार में ये सब मतलब चेंजेस करना चाहिए, जागरूकता वगैरह बढ़ाना चाहिए। विशेष रूप से नए युग की तकनीक के इस दौरान में विज्ञापनों का उपभोक्ताओं मन पर गहरा प्रभाव पड़ता है, इसलिए स्वस्थ समाज निर्माण करने के लिए उनके दावों की वैधता सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है। बाकी यूसीसी है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो कि काफी न्यूज में था। तो क्या है ये, पहले ये देखेंगे। ठीक है, तो यह प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भाषण में समान नागरिक संहिता के पक्ष में समर्थन व्यक्त किया और वर्तमान धार्मिक नागरिक संहिता के स्थान पर धर्मनिरपेक्ष नागरिक संहिता की आवश्यकता पर बल दिया। यूसीसी के बारे में जाने तो यूसीसी पूरे देश में सभी नागरिकों के लिए समान कानून लागू करने का प्रावधान करती है। यह समान कानून सभी धार्मिक समुदायों के विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेना, उत्तराधिकार जैसे व्यक्तिगत मामले में एक समान रूप से लागू होता है। वर्तमान नीति क्या है? वर्तमान में अलग अलग धर्मों के समाज भारतीय नागरिक उपरित मामले में अपने धर्म के संबंधित व्यक्तिगत कानूनों से शासित होते हैं, और भारत में प्रत्येक धर्म के अपने विशेष कानून का पालन करते हैं, जैसे हिंदू वगैरह का, हिंदू मुस्लिम सबका है। वर्तमान में गोवा भारत एकमात्र ऐसा राज्य है जो यूसीसी लागू करने वाला है। फिलहाल अभी उत्तराखंड ने भी इस वर्ष अपना लिया इसको, और भारत ने 21वीं विधि आयोग में कहा है कि यूसीसी का निर्माण आवश्यक वांछनीय नहीं है, हालांकि प्रत्येक धर्म पारिवारिक कानूनों के सुधार किए जाने चाहिए ताकि उन्हें लैंगिक रूप से न्याय संगत बनाया जाए। यूसीसी की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि संविधान कर्तव्य पूरा करना है, जैसे भाग 4 के अनुच्छेद 44 में कहा गया है। ठीक है, इसमें लैंगिक न्याय, राष्ट्रीय एकता और संविधान के अनुच्छेद 14 में कानूनों के समक्ष समानता को बढ़ावा मिलेगा और आधुनिक समाज की आवश्यकता को पूरा किया जा सकता है और अंतरराष्ट्रीय दायित्व को भी पूरा किया जा सकता है। कानूनों का सरलीकरण करके और धार्मिक पृष्ठभूमि पर ध्यान किए बिना व्यक्तिगत मामलों में एक मानक मतलब एक तरह का न्याय सुनिश्चित किया जा सकता है और आधुनिक समय के अनुकूल होना चाहिए इसको। ठीक है, और समान नागरिक संहिता में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय है, अहमद खान बनाम साहबानो विवाद, जिस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने लैंगिक न्याय और व्यक्तिगत कानून में समानता की आवश्यकता पर जोर दिया था। सरला मुद्दल और अन्य बनाम भारत संघ वाद 1995, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने व्यक्तिगत कानूनों में सुधार की आवश्यकता पर बल दिया ताकि उसका दुरुपयोग रोका जा सके। इस विचार को लीली थॉमस मामले में भी दोहराया गया था, जिसमें कोर्ट ने व्यक्तिगत कानूनों में सुधार दिशा में एक समान दृष्टिकोण अपनाया था।
सायरा बानो बनाम भारत संघ वाद में 2017 में इस निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने तलाक ए बिद्दल शरीयत अधिनियम 1937 के तहत त्वरित और परिवर्तनीय तलाक को एक मानवीय प्रथा मानते हुए इसे असंवैधानिक घोषित किया था। इसे लागू करने से जुड़े मुद्दे क्या हैं? विविधता के खिलाफ और आम सहमति का अभाव होता है और सहकारी संघवाद के खिलाफ। कई विशेषज्ञों के तर्क दिया है कि यूसीसी राज्य को विधायी क्षमता में हस्तक्षेप कर सकती है और इससे सहकारी संघवाद के सिद्धांतों का उल्लंघन कर सकती है। भारत में यूसीसी को लागू करने की दिशा में आगे की राह क्या हो सकती है? आम सहमति बनाना। इसी संदर्भ में सरकार को धार्मिक नेताओं और सामुदायिक प्रतिनिधित्व सहित सभी हितधारकों के साथ तर्कपूर्ण वार्ता करनी चाहिए। सामाजिक आर्थिक प्रभाव क्या होगा? सामाजिक प्रभाव को ध्यान में रखते हुए विशेषकर हाशिए पर रहने वाले कमजोर समुदायों के लिए प्रावधान होने चाहिए। शिक्षा और जागरूकता, लोगों में प्रगतिशील व्यापक दृष्टिकोण विकसित करना चाहिए ताकि वे विशेषी भावना को समझ सकें। सभी व्यक्तिगत कानूनों का संहिताधिकरण और कानूनों के संहिताबद्ध सार्वभौमिक सिद्धांत स्थापित करना चाहिए ताकि निष्पक्षता से आगे बढ़ावा मिले। लेजिस्लेटिव इम्पैक्ट ऑफ द असाइनमेंट क्या है? हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने दो न्यायाधीशों को पीठ में, बॉम्बे हाई कोर्ट को महाराष्ट्र मरीन बस्ती क्षेत्र अधिनियम का परामर्श परफॉर्मेंस ऑडिट करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा शीर्ष न्यायालय ने इस बात पर बल दिया है कि किसी कानून के कार्यान्वयन के समीक्षा और आकलन का विधि के शासन का अभिन्न अंग है। अन्य संबंधित तथ्य में है, न्यायालय यह निर्देश अधिनियम के कार्यान्वयन से जुड़ी कई प्रणालीय समस्याओं के मद्देनजर जारी किया है। इस समस्याओं को मलिन बस्ती क्षेत्र के रूप में भूमि की पहचान की जटिल प्रक्रिया, मलिन बस्ती के विस्थापित निवासियों और आवास के प्रावधान संबंधी कमियों को अध्यादेश को शामिल किया गया है। तो सारी चीजें हैं, बाकी इसी वगैरह के बारे में तो आपने पढ़ा होगा। विधायी प्रभाव आकलन क्या है? तो ये जो है, यह विनियम की प्रभाव आकलन भी कहा जाता है इसको। यह प्रणालीगत विधि है, इसका उपयोग प्रस्तावित और मौजूदा कानूनों के बहुआयामी प्रभाव पर विश्लेषण करने के लिए किया जाता है। विधायी प्रभाव आकलन के आवश्यक प्रमुख घटकों में निम्नलिखित शामिल है, समस्या की समझ पहचान, विकल्पों की खोज, तुलनात्मक विश्लेषण, हितधारक परामर्श और सामाजिक आर्थिक विश्लेषण, प्रभाव आकलन और रिपोर्टिंग। साक्ष्य निर्धारित नीति का निर्माण, LIE कानूनों को लागू करने के पहले और बाद में प्रभावों के संपूर्ण मूल्यांकन की अनुमति देता है। इससे नीति निर्माता अवधारणाओं या राजनीतिक दबाव की बजाय अनुभवजन्य साक्ष्य के आधार पर निर्णय ले सकते हैं। ठीक है, विधायी गुणवत्ता है वगैरह सब चीजें देख सकते हैं आप थोड़ा सा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चढ़ेंगे जो है न्यूज इन शॉर्ट में हम डिस्कस करेंगे। न्यूज शॉर्ट में क्या क्या है तो देखिए, इसमें है स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो क्या है, केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय ने इम्पेरिकल स्टडी ऑफ द इवेलुएट द डिलीवरी ऑफ द जस्टिस थ्रू इम्प्रूव्ड इंफ्रास्ट्रक्चर शीर्षक में एक रिपोर्ट प्रकाशित की है। इसमें मुख्य प्रशासक, न्यायिक अधिकारी, अधिवक्ताओं और सहायक कर्मचारियों के सामने आने वाले और संरचना संबंधी समस्याओं के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है। रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष पर नजर डालें तो बुनियादी और संरचना लगभग 37.7% न्यायिक अधिकारियों न्यायाधीशों ने बताया कि उनके पास कार्य करने के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध नहीं है। मानव संसाधन में न्यायपालिका, न्यायिक अधिकारियों और न्यायाधीशों को भारी कमी है और साथ ही मौजूदा न्यायिक अधिकारी प्रभावी कार्यभार प्रबंधन और मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए आवश्यक प्रशिक्षण कौशल विकास की कमी से जूझ रहे हैं। डिजिटल अवसंरचना, जिसमें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के और तालुक विधिक सेवा समिति के कार्यालय का कंप्यूटरीकरण नहीं किया गया है। इसके अलावा डिजिटलीकरण प्रक्रिया की तकनीकी जटिलताओं से निपटने में अधिवक्ताओं की असमर्थता, ई कोर्ट मिशन के कारण सहायक कर्मचारियों का बढ़ता बोझ जैसी समस्याएं मौजूद हैं। ठीक है, और यह रिपोर्ट में की गई सिफारिशें, जिला एक तालुका स्तर पर एक स्वतंत्र IT विभाग की स्थापना की जानी चाहिए। न्यायालय कार्य प्रणाली में सुधार लाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाना होगा और एक विभाग को नवीनीकृत हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से लैस किया जाना चाहिए। साथ ही इस विभाग में पर्याप्त प्रशिक्षित कर्मचारी होना चाहिए। दायर मामले को अंत तक इलेक्ट्रॉनिक रूप से बनाए रखने पर अधिक जोर दिया जाना चाहिए। अलग अलग न्यायाधीशों का अध्यक्षता में पृथक सिविल और आपराधिक न्यायालयों का गठन किया जाना चाहिए। जिला न्यायालय में सुधार हेतु मुख्य बातें क्या है? न्यायपालिका में संरचना सुविधाओं के विकास हेतु केंद्र प्रायोजित योजना 1993-94, इस योजना के जरिए न्यायालय के भौतिक अवसंरचना में सुधार किया जा रहा है। नेशनल मिशन फॉर जस्टिस डिलीवरी एंड लीगल रिफॉर्मेंस 2011 का है। इसका मुख्य उद्देश्य न्याय प्रणाली में होने वाले देरी और लंबित मामले में कम करना था, साथ ही न्यायालय में संरचनात्मक परिवर्तन के जरिए जवाबदेही को बढ़ावा देना है। ई कोर्ट इंटीग्रेटेड मिशन मोड प्रोजेक्ट क्या है? ये जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों का कंप्यूटरीकरण या न्याय तक पहुँच में सुधार हेतु एक महत्वपूर्ण पहल है। नेक्स्ट न्यूज है जो कि अनुसूचित जाति एंटीसिपेटरी बेल अंडर द SC ST Act है।
हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने दो न्यायाधीशों की पीठ में स्पष्ट किया कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 की धारा 18 के तहत अग्रिम जमानत पर रोक सख्त प्रावधान तब तक नहीं लागू होगा जब तक आरोपी खिलाफ प्रथम दृष्टया अपराध साबित न हो जाए। अधिनियम की धारा 18 में बंद किया गया कि दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी की धारा 438 के तहत अग्रिम जमानत पर प्रावधान है और इस अधिनियम के तहत अपराध से जुड़े मामले पर लागू नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बिंदुओं पर एक नजर डालें तो कोर्ट ने कहा है कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति समुदाय में किसी सदस्य का अपमान SC/ST अधिनियम के तहत तब तक अपराध नहीं है जब तक आरोपी का इरादा जातिगत पहचान के आधार पर अपमान करने का ना हो। केवल अस्पृश्यता का जातिगत श्रेष्ठता की जैसी जड़ जमा चुकी सामाजिक कुप्रथाओं के कारण जानबूझकर किया गया अपमान या दी गई धमकी इस अधिनियम के तहत जातिगत अपमान या धमकी मानी जाएगी। एंटीसिपेटरी बेल के बारे में जाने तो यह हाई कोर्ट या सत्र न्यायालय द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तारी से पहले जमानत पर रिहा करने का आदेश देती है जो गैर जमानती अपराध में गिरफ्तारी की आशंका है। और दंड प्रक्रिया संहिता जो है 438 में अग्रिम जमानत में जमानत प्रावधान किया गया है। नए आपराधिक कानून लागू होने के बाद भारतीय नागरिक सुरक्षा 2023 की धारा 482 में अग्रिम जमानत के लिए प्रासंगिक प्रावधान शामिल है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के बारे में जाने तो इस अधिनियम के तहत प्रावधानों पर एक नजर डालें तो आरोपी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति समूह का सदस्य नहीं होना चाहिए। इस कानून के तहत अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के हाथ से मैला उठाने के काम पर लगाना है और SC/ST समुदाय की महिलाओं को देवदासी कुप्रथा के नाम पर देवताओं मंदिरों को समर्पित करना है और सार्वजनिक स्थानों से जाने के प्रथागत अधिकार से वंचित करना है जैसे मामले में अपराध श्रेणी में रखा गया है। SC/ST समुदाय को छोड़कर अन्य समुदायों के साथ लोगों सेवकों द्वारा अधिनियम के तहत किए गए कर्तव्यों की उपेक्षा पर दंड का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है परिसीमन डिलिमिटेशन कमीशन क्या है, तो ये जो है किशोर किशोर चंद्र छगन लाल राठौर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि परिसीमन आयोग के किसी भी आदेश के स्पष्ट रूप से मनमाने होने और संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप नहीं होने पर संवैधानिक न्यायालय को उन आदेशों की समीक्षा करने का अधिकार है। इससे पहले गुजरात हाई कोर्ट ने परिसीमन कार्य को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया था और हाई कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 329 का संज्ञान लेते हुए इस अनुच्छेद में चुनाव संबंधी मामले में न्यायगत हस्तक्षेप को रोका था। परिसीमन के बारे में जाने तो यह लोकसभा विधान सभाओं के प्रत्येक राज्य में सीटों की संख्या एवं प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की भौगोलिक सीमाएं तय करने की क्रिया है। संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार परिसीमन कार्य ऐसे प्राधिकारी द्वारा रीति से किया जाता है जिसे संसद कानून माध्यम से निर्धारित करे। परिसीमन कार्य की जिम्मेदारी उच्च अधिकारी प्राप्त स्थान संस्था को सौंपी जाती है और संस्था को परिसीमन आयोग या सीमित आयोग कहा जाता है। ठीक है, और यह बायलर विधेयक 2024 ये क्या है, इसमें राज्यसभा में पेश किया गया था। यह विधेयक कानून बनाने के बाद बायलर अधिनियम 1923 की जगह लेगा। बायलर अधिनियम 1923 को बायलर के विनियमन से संबंधित सभी तकनीकी पहलू में पूरे भारत में एक रूपता लाने के लिए लागू किया गया था। इससे पहले इस कानून में भारतीय बायलर अधिनियम 2007 के द्वारा संशोधन किया गया था और संशोधन के जरिए स्वतंत्र थर्ड पार्टी निरीक्षण अधिकारियों द्वारा निरीक्षण एवं प्रमाणन की शुरुआत की गई थी। जन विश्वास अधिनियम 2023 के अनुसार कुछ प्रावधान में उल्लेख कृतियों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने की भी इस कानून की समीक्षा की गई है। बायलर विधेयक 2024 के प्रावधान एक नजर में देखे तो इसमें बायलर और बायलर उपकरणों को वेल्डिंग के लिए वेल्डर को प्रमाण पत्र देने वाली सक्षम अथॉरिटी को परिभाषित किया गया है और ये अथॉरिटी विनियमों द्वारा निर्धारित तरीकों के आधार पर मान्यता प्राप्त संस्था है। ठीक है, मुख्य निरीक्षक को अनुमति लिए बिना बायलर के भीतर या बायलर को संरचनात्मक बदलाव करने जोड़ने या नवीकरण करने पर व्यक्ति को दंड दिया जाएगा। दंड के रूप में 2 साल की जेल की सजा और 1 लाख रुपए का जुर्माना दोनों हो सकता है। तो सब चीजें हैं। बायलर विधेयक 2024 का उद्देश्य क्या है, बायलर के निर्माण और उपयोग का नियमन करना और बायलर में होने वाले विस्फोट के खतरे और जनधन की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। बिना पंजीकरण बिना प्रमाण वाले बायलर के उपयोग पर प्रतिबंध लगाना है, दुर्घटनाओं की रिपोर्टिंग अनिवार्य करना है, बायलर के निर्माण स्थापना उपयोग के दौरान पंजीकरण निरीक्षण प्रक्रिया में एकरूपता लाने को बढ़ावा देना है। तो इसमें बायलर बड़ी मात्रा में ईंधन के जलने उत्थापन और उच्च ताप सहने और उच्च तापमान में युक्त भाप निपटने में संबंधित है, ये सब महत्व। तो ठीक है, ये पॉलिटी में इतना ही क्वेश्चन है, एक बार देख लीजिएगा इसको, फटाफट रिवीजन कर लीजिएगा, इस मंथ का पॉलिटी खत्म हो जाएगा, मतलब अगस्त का, पिछले महीने का। ठीक है, अब जैसे सितंबर का है, हम सितंबर का भी करा देंगे। तो कैसा लगा वीडियो बताइए, जो पसंद आता है लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो चलिए जय हिंद जय भारत।